हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर सी सुबह में। हे खुदाबंद, आप भले दयालु परमेश्वर है पिता। आपने अपनी दया से हमें आज का ये दिन दिया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, मैं इन सभी जनों को, जितने जन आज इस प्रार्थना में जुड़ेंगे, आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, उन सब को मैं आज आपकी पवित्र हजूरी में लेकर आती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। वो सभी अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण करें और आशीषों को पाएं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदाबंद, आप सच में आप भले परमेश्वर है पिता, आप दयालु है। हे खुदाबंद, जैसे भजन संहिता 116 में लिखा हुआ है कि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। सच में परमेश्वर आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप धर्मी परमेश्वर है, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। परमेश्वर आज आपको आशीष दे और आज आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर समस्या दूर हो जाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो सब काम करने की सामर्थ रखता है और पूरे करता है। हालेलुया, आपका विश्वास खुदावंद पे होना चाहिए, आपका विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया, भजन संहिता में लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। हालेलुया, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, परमेश्वर क्या करता है, जो भोले लोग हैं, जो अपने आप को लाचार समझते हैं, जिन्हें लगता है मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, अगर आज आप भी ऐसा समझ रहे हैं कि आपके जीवन में समस्या है, परेशानी है, आप आजाद नहीं हो सकते, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, आप अब चल नहीं पा रहे हो, आपका पैर, आपकी टांग ठीक नहीं है, आप पैरालाइज है, जो भी समस्या आपके जीवन में है, आज विश्वास करें, आज विश्वास करें, परमेश्वर का सामर्थ्य रूह आपको छुएगा और चंगाई देगा। सच में आज आपकी सभी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी, जो भी टेस्ट आज आप करवाएंगे वो नॉर्मल आएंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आप विश्वास करें और परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया, तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ें और विश्वास के साथ प्रार्थना को अंगीकार करें। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आइए आप भी मेरे साथ प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। है प्रेमी पिता, आप दयालु भले हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदा, आप दया करने वाले परमेश्वर है, आप भोलों की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी बल है हे यहोवा, तो आप मेरे गढ़ हैं और मेरे लिए शरण स्थान है परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पूरी रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा है, अच्छी नींद दी खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया, हमें श्वास दिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के इस सुंदर समय में आपने हमें एक साथ एकत्रित किया, हम सभी आत्मा में जुड़कर आपकी महिमा करने पाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप भले हैं परमेश्वर, मैं आपका सच में आपका धन्यवाद करती हूँ। आप उधार करने वाले परमेश्वर है, आप हमारे उधार करता है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे यहोवा, आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आज आपके जीवन में बीमारी है, आप कहें परमेश्वर से कि हे खुदा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने मुझे चंगा कर दिया है, आज आपने मेरी रिपोर्टों को नॉर्मल कर दिया है, आज आपने मेरी बीमारी से मुझे आजाद कर दिया है, आज मैं चंगा हो चुका हूँ, आज मैं चंगी हो चुकी हूँ। आप विश्वास से कहें कि हे परमेश्वर, मेरी घटी को आज आपने दूर कर दिया है, मेरे जीवन से
से, मेरे परिवार से हर घटी दूर हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम से। आप अंगीकार करें, आप कहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीषें दे दी है। आप कहें मेरा घराने को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप अंगीकार करें। आपकी जुबान, जब आप अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आप पे दया करता है, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता है, परमेश्वर आप पे आशीषें आपकी झोली में डालता है। आपके ऊपर जो भी विपत्तियां होती है, परमेश्वर उसे दूर करता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पिता। हे पिता, मैं अभी प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, इतने जन भी खुदा इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं और जो विश्वास के साथ इसे सुन रहे हैं पिता, आज मैं इनके जीवन से हर उस बीमारी को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, जिसके कारण ये परेशान है, जिसके कारण ये दुखी है। हे पिता परमेश्वर, डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि तेरा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने इन्हें कहा है, लेकिन मैं उस ऑपरेशन को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, कैंसिल करती हूँ उस ऑपरेशन को। इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए, इनकी गली हड्डियां नॉर्मल हो जाए, इनके टूटे हुए हड्डियां नॉर्मल हो जाए। तेरा वचन कहता है यहोवा, भजन संहिता में लिखा है कि तू अपने धर्मी जन की एक एक हड्डी को भी टूटने नहीं देता, तू उन्हें संभालता है। हे परमेश्वर, आज इनके इनके जो पैरालाइज हो चुके हैं, जो चल नहीं सकते, अभी अभी मैं उन्हें टच करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छूए प्रभु यीशु के नाम से और उन्हें चंगाई दे, अभी वो चलने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप चल नहीं सकते, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चल नहीं सकती तो अभी आप चले, प्रभु ने आपको छुआ है, आपको चंगाई दी है, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। हे खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो बहने वो भाई हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती है, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप उनके लिए से उत्तम रिश्ता लेकर आए पिता, आप उनके लिए योग्य वर ढूंढे, आप उनके उनके बंद दरवाजों को खोल दें पिता, आप उनके जीवन में आशीषें लेकर आए पिता, और उनके जीवन में ये जो रुकावट है प्रभु यीशु के नाम से अभी अभी ये रुकावट जो है इसे मैं कैंसिल करती हूँ। आप परमेश्वर उन्हें छूएं, आप उनके जीवन में सच में जो आपकी ओर से हो ऐसे उत्तम वर से उन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बुद्धि से ज्ञान से आप उन्हें ब्लेस करें, वो अच्छा पढ़ाई कर सके, अच्छे नंबरों से पास हो, और जो बच्चे गलत संगति में है मैं उनको आपके सुरक्षित हाथों में संभालती हूँ पिता, कि आप उन्हें छुएं और उन्हें सही संगति में लेकर आएं और उन्हें हर पाप से हर बुराई से बचाएं। जो बच्चे बहुत ज्यादा पिता फोन यूज करते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो गलत चीजें देखते हैं, वो गलत सोचते हैं, मैं दुष्ट की उस चाल को मैं कैंसिल करती हूँ उनके जीवन से, जो डाइवर्ट करती हैं उन्हें बातें, मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सभी डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। अभी 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 पिता परमेश्वर, आपके स्वर्ग दूत इन्हें छुए और सही रास्ते पर लेकर चले प्रभु के नाम से मैं मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास संतान नहीं है, उन्हें संतान की आशीष दे खुदावंद, आप उन्हें छुए, उनकी शर्मिंदगी को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। सभी बहन भाइयों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आप उन्हें छुए खुदावंद, आप उनके लिए नए नए मार्ग खोलें पिता, आप उनके लिए सफलता के मार्ग खोलें, जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं पिता, और जो भी उनका ज्वाइनिंग लेटर आए तो उनकी इच्छा के अनुसार वो जॉब उन्हें मिले। आप उन पे दया करें प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जन सुन रहे हैं, आप इन सबों के घर में चंगाई आने पाए, आप इन पे अनुग्रह करें, दया करें और इनके घरों में बरकत आए प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा जी, आपकी सहभागिता हमेशा सभी धर्मी जनों के साथ, मसीही लोगों के साथ हमेशा जुगन जुग तक बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जुड़े, वचनों में चले, तो परमेश्वर आपके जीवन में सचमुच इन वचनों को पूरा करेंगे। प्रभु के नाम से मैं मांगती हूँ और मेरा विश्वास है जब हम प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से जब हम कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो आपको विश्वास करना है कि आज जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आप इन वचनों को सुनते रहें और इन पे विश्वास करें तो ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। आप सबको आशीष दे परमेश्वर, ब्लेस करे, सच में आपके घरों से हर मुश्किल हर विपत्ति को दूर करे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।